दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अवतार फिल्म के बारे में। ये फिल्म 18 दिसंबर 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को जेम्स कैमरून ने बनाया था, जो कि इन्होंने इस फिल्म को 3D में बनाया था। इस फिल्म में मोशन कैप्चर का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण फिल्म को बड़ी सफलता मिली। 1997 में टाइटैनिक फिल्म बनी थी। टाइटैनिक फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान रचने वाली फिल्म बन गई थी, और यह फिल्म भी जेम्स कैमरून ने ही बनाई थी। टाइटैनिक फिल्म के लिए जेम्स कैमरून को बेहतर निर्देशन का ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था। टाइटैनिक फिल्म के लगभग 12 साल बाद जेम्स कैमरून ने अपनी नई फिल्म अवतार रिलीज की। अवतार रिलीज के बाद इस फिल्म ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कैमरून ने अवतार फिल्म में दिखाए गए एलियंस के लिए अलग ही भाषा बनाई थी, जो UAC में भाषाविद डॉक्टर पॉल फ्रोमर्स ने बनाई थी। इस भाषा को 1000 शब्दों से बनाया था और जेम्स कैमरून ने इसमें 30 शब्द जोड़े थे। जेम्स कैमरून ने इस फिल्म को बनाने के लिए अलग से सेटअप भी किया था। इस फिल्म की कहानी 22वीं सदी की है, जब मानव एक बेहद महत्वपूर्ण खनिज अनोप्टिनियम को पांडोरा पर खोद रहे हैं, जो एक बड़े गैस वाले ग्रह का रहने लायक चंद्रमा है, जो अल्फा सेंट्री अंतरिक्ष गंगा में स्थित है। इस खनन कॉलोनी के बढ़ने की वजह से पेंड्रा की प्रजातियों और कबीलों के लिए खतरा बन जाता है। पेंड्रा की एक ऐसी प्रजाति है जो मानव की तरह है। वो प्रजाति खतरे की वजह से मानव की खनन कॉलोनी का विरोध करती है। दोस्तों कहते हैं कि अवतार फिल्म की कहानी वियतनाम कॉलोनी फिल्म से भी काफी हद तक मिलती जुलती है, जो मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म है। फिल्म रिलीज होने के बाद जेम्स कैमरून पर करीब 7 लोगों ने कहानी चुराने का आरोप भी लगाया था, पर बाद में जेम्स कैमरून ने कोर्ट में एक कॉपी भेजी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको इस फिल्म का आइडिया कहां से आया था और केस भी जीत गए थे। जेम्स कैमरून ने कहा कि मुझे बचपन से साइंस फिक्शन किताबों को पढ़ना बहुत पसंद था और इनको इस फिल्म को बनाने का आइडिया भी यहीं से आया था। जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक बनाने के दौरान ही फिल्म अवतार की 80 पेजों की स्क्रिप्ट लिखी थी, और जैसे ही टाइटैनिक फिल्म रिलीज हुई उसके बाद ही उन्होंने अवतार फिल्म की घोषणा कर दी थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सेम वर्थिंगटन ऑडिशन के समय अपनी कार में ही रहते थे। सेम वर्थिंगटन के अनुसार उन्हें एक फोन कॉल के जरिए कास्टिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें स्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ना ही उन्होंने उन्हें निर्देशक का नाम बताया था। निर्देशक जेम्स कैमरून बहुत ही सख्त होते थे। उन्हें काम के दौरान किसी भी प्रकार की खलल पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक नेल गन भी रखी थी। जो सेल फोन काम के दौरान बचते थे उस फोन पर वो गन का इस्तेमाल करते थे। जेम्स कैमरून ने अवतार फिल्म की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन उनके अधिकतर किरदार फिक्शनल होने की वजह से उन्हें हाईटेक टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, लिहाजा वो उस समय इस आइडिया पर काम नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी इस कहानी पर फिल्म बनाने का आइडिया नहीं छोड़ा। आपको फिल्म देखते समय जानवरों की जो आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जुरासिक पार्क से डायनासोर की है, जिसमें विशेष रूप से सिटी रैक्स और रोटर्स की है। अवतार फिल्म के संगीतकार जेम्स हॉर्नर ने कहा कि यह उनकी सबसे कठिन फिल्म होने के साथ साथ उनके करियर की यह सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने 1.5 साल तक सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक संगीत पर काम किया है। जैक सूली की भूमिका निभाने के लिए मैट डैमन और जैक जिलेनहाल कैमरून की पहली पसंद थे, लेकिन जेम्स कैमरून ने मुख्य भूमिका में सेम वर्थिंगटन को कास्ट करने का फैसला किया। अवतार फिल्म में 40% लाइव एक्शन और 60% फोटो यानी कि CGI का इस्तेमाल किया गया है। CGI दृश्य के लिए बहुत सी मोशन सी कैप्चर तकनीक का उपयोग किया गया था। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।